उधर पानीपत से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर आवारा कुत्तों ने महज दो दिन के नवजात बच्चे को नोच नोच कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं इसमें एक निजी अस्पताल की लापरवाही भी सामने आई है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। निजी अस्पताल की बड़ी लापरवाही, दो दिन के नवजात को उठा ले गए कुत्ते, कुत्तों ने नोच नोच कर नवजात को मार डाला। अस्पताल ने मामले को दबाने की कोशिश की। पानीपत के एक निजी अस्पताल की बड़ी लापरवाही के चलते दो दिन के नवजात बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ी। आवारा कुत्ते नवजात बच्चे को अस्पताल से उठाकर ले गए और नोच नोच कर नवजात बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल बच्चा अपनी माँ और दादी के पास लेटा हुआ था, जहाँ से आवारा कुत्ते उसे उठा कर ले गए। जब रात को परिजनों की नींद टूटी तो बच्चा गायब मिला। परिजनों ने जब बच्चे को ढूंढा तो बच्चा कुत्तों के चंगुल में था। जैसे तैसे परिजन बच्चे को कुत्ते के चंगुल से छुड़ा कर डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। अस्पताल से नवजात बच्चे को उठा कर ले गए आवारा कुत्ते। अस्पताल की पहली मंजिल से बच्चे को उठाया, आवारा कुत्तों ने नोच नोच कर बच्चे को मार डाला। 25 जून को ही हुआ था बच्चे का जन्म। मामले में अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने। अस्पताल प्रशासन ने मामले को दबाने की कोशिश की। वहीं एक चश्मदीद ने बताया कि उसने कुछ आवारा कुत्तों को अस्पताल की पहली मंजिल से बच्चे को उठाकर ले जाते हुए देखा था और उस दौरान अस्पताल में कोई सुरक्षा कर्मी नहीं था और कुत्ते नवजात बच्चे को पास के ही प्लॉट में ले गए थे। वहीं इस घटना की सूचना सेक्टर 13 पुलिस थाने में दी गई, जिसके बाद पुलिस ने नवजात बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में रखवाया। पुलिस के मुताबिक यूपी की कैराना जिले की रहने वाली शबनम परिवार के साथ अपनी डिलीवरी के लिए पानीपत के निजी अस्पताल आई थी। तो वहीं जब इस मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन से बात करने की कोशिश की गई, तो अस्पताल प्रशासन ने इस मामले को दबाने का प्रयास किया और मीडिया से बात नहीं की। ऐसे में अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में है और सवाल ये भी उठता है कि अस्पताल में आखिर आवारा कुत्ते कहां से घुस आए। जनता टीवी के लिए पानीपत से अनिल कुमार की रिपोर्ट।